चंदन झा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। बिहार में 1 अप्रैल से देसी शराब पे पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा, जिसको लेके जागरूकता फैलाने के लिए नीतीश कुमार ने वहां के शिक्षा विभाग को कहा है और शिक्षा विभाग ने एक ऐसा अनूठा कदम उठाया है जिसको सुनने के बाद आप सभी दंग रह जाएंगे। अब जो प्राइमरी एडमिशन होने वाले है उसमें 73,000 बच्चों के अभिभावकों से एक शपथ पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें उनसे ये शपथ दिलवाया जाएगा कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे। 1 अप्रैल से पूरे बिहार में देसी शराब पर प्रतिबंध लागू करने के लिए लोगों को जागरूक करने के तहत नीतीश कुमार ने नया तरीका निकाला है। राज्य के शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में 73,000 छात्रों के दाखिले के समय उनके पिता से यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे शराब का सेवन नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार कड़ा कानून बना रही है, इसको लेकर विधानमंडल के इसी सत्र में विधेयक लाया जाएगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों ने उन्हें बताया है कि राज्य भर में 200 से अधिक आवेदन आए हैं सुधा डेयरी के बूथ के लिए। ये सभी वहां पर बूथ खोलने चाहते हैं जहां अभी शराब की दुकानें हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक सामाजिक क्रांति आएगी, इसमें लाखों गरीबों का घर तबाह होने से बचेगा। कमाऊ पुरुष के शराब पीने की आदत गरीब परिवार को तबाह कर देती है। उन्होंने कहा कि शराब मंदी को लेकर 40 लाख प्रतिनिधि समाज में जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। विदित हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2016 से पूरी तरह शराबबंदी लागू करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। नए कानून में नकली शराब बनाने और बेचने के मामले पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया जा रहा है। नई उत्पाद नीति बनी है, उसका लक्ष्य है कि हम पूर्ण मद्य निषेध लागू करेंगे और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। और पहले चरण में देसी और मसालेदार शराब के उत्पादन और बिक्री पर जो भी प्रतिबंध लगाने के लिए आवश्यक कदम है कानूनी तौर पर वो उठाने का फैसला हो गया। जहां तक विदेशी और IMFL शराब का संबंध है, उसकी बिक्री भी सीमित कर दी गई और अब नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के क्षेत्र तक ही वे सीमित रहेंगे। और इस निर्णय के बाद अगर एक तरह से देखें तो अभी कुल मिलाकर चाहे विदेशी IMFL शराब हो या देसी मसालेदार शराब हो, उनकी दुकानें हो या कंपोजिट शराब बिक्री की दुकानें हो, वो कुल दुकानों की जितनी संख्या थी उसमें 90% की कमी आ जाएगी हम लोगों के इस निर्णय से। कुल मिलाकर के ओवरऑल देखें तो इस प्रकार से एक बड़ा कदम उठा दिया गया है और इसको लागू करने के लिए जो भी जरूरी कार्रवाई है। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपनी विपक्षी पार्टियों से अपील की कि GST और जो भी लंबित बिल हैं उन्हें पास करने में उनकी मदद करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और विकेंद्रीकरण के साथ सुशासन उनकी सरकार की मुख्य विशेषताएं हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पिछले 1.5 साल के दौरान रोजगार सृजन में काफी वृद्धि हुई है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 48% की बढ़ोतरी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण में 6 गुना वृद्धि हुई है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही सुचारू चलने देने के राष्ट्रपति के सुझाव को मानने के लिए सांसदों की सराहना की। उन्होंने राज्यसभा से आग्रह किया कि वह वस्तु और सेवा कर सहित सभी लंबित विधेयकों को पारित करें। उन्होंने कहा जो पेंडिंग बिल हैं, इस बार सदन चल रहा है, एक अच्छा माहौल में चल रहा है, ये महाजनों का गृह है, वरिष्ठों का गृह है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं,
इसलिए मैं आग्रह पूर्वक प्रार्थना करता हूं उन सभी माननीय सांसदों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण विकास योजनाएं लागू नहीं की और ये केवल कागजों तक ही सीमित रही। उन्होंने कहा, मैं लगातार इन दिनों इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू कर रहा हूँ। 10-10, 20-20 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट मैंने पिछले दिनों करीब 300 प्रोजेक्ट्स का खुद रिव्यू किया और उसकी बर्थ है करीब 15 लाख करोड़ रुपए। मैं इस सदन को नम्रता पूर्वक कहता हूँ कि वो सारे छोटे छोटे संकटों में फंसे हुए 15-20 साल से पुराने स्टॉल प्रोजेक्ट्स आज चालू हो गए हैं। श्री मोदी ने सदन को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार की नीतियों से किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बीआर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री की नई योजना शुरू की जा रही है। बाद में सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के एक संशोधन को छोड़कर बाकी सभी नामंजूर कर दिए गए। यह संशोधन पंचायतों सहित सभी स्तरों पर चुनाव लड़ने के लिए सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के बारे में था। कांग्रेस ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब पर निराशा व्यक्त की है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने काला धन, बेरोजगारी, रुपए के अवमूल्यन, किसानों से जुड़े जैसे किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। इसका इतना सकारात्मक प्रभाव इतना तुरंत होगा, ये बात हम सबको प्रसन्न करती है। राष्ट्रपति जी ने कहा था कि सदन चलना चाहिए, सदन में संवाद होना चाहिए और हम सभी सदस्यों ने राष्ट्रपति जी की बात को शिरोधार्य माना और सदन को बहुत ही सुचारू रूप से सबने मिलाकर के चलाया। और इसके लिए मैं विशेष रूप से विपक्ष के सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। और राष्ट्रपति जी के भाषण का ये जो असर है, ये मैं समझता हूं अपने आप में गौरव देने वाला है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन साथ साथ मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी इस बात से आग्रह करना चाहूंगा। एक तो खुशी की बात है कि सदन में सभी सदस्य सक्रिय हैं, अपने अपने विचारों के लिए आग्रही हैं। करीब 300 के करीब अमेंडमेंट्स आए हैं और हर अमेंडमेंट का अपना महत्व भी है, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा कि हम राष्ट्रपति जी के विजडम पर भरोसा करते हुए समय की सीमा में जितने विषय आ सके, नहीं आए उसका मतलब ये नहीं वो महत्व के नहीं है। और इसलिए राष्ट्रपति पद की गरिमा और उनके विजडम पर भरोसा करते हुए मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करें तो एक अच्छी परंपरा जारी रहे। हम सब ने देखा होगा कि कल रात को 12 बजे तक लोकसभा का सत्र चला। दो दिन पूर्व यह सदन भी देर शाम तक बैठा था। आमतौर पर इतने घंटे काम करने के बाद थकान महसूस हो, लेकिन मैं उल्टा अनुभव कर रहा था। जिन जिन सदस्यों से मेरा मिलना हुआ, बात करने का मौका मिला, देर रात बैठने के बाद भी वो अत्यंत प्रसन्न थे, अत्यंत संतुष्ट थे, अत्यंत आनंदित थे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अपने पास जो कुछ भी कहने की बातें थी, अपने क्षेत्र की बातें थी, समस्याएं थी, उसको इस पवित्र फोरम में वो जी भर करके कह पाए।
ये अवसर उनको मिला है, उनके चेहरे की जो प्रसन्नता है, ये सदन चलने के कारण संभव हुआ है। और इसलिए, वरना पिछली बार सदन में जैसे क्वेश्चन आवर, मैं मानता हूं क्वेश्चन आवर अपने आप में एक सदस्यों की अपनी संपत्ति और राष्ट्र के महत्वपूर्ण इश्यूज पर सरकार को कटघरे में खड़ा रखना, एग्जीक्यूटिव्स को अकाउंटेबल बनाना, उनके लिए सवालिया निशान खड़ा करना, मंत्रियों को भी हर प्रकार से सज्ज रखने के लिए अगर सबसे ताकतवर को जगह है तो क्वेश्चन आवर है। लेकिन हमने देखा कि पिछली बार सदन न चलने के कारण स्टार क्वेश्चन 269 थे, लेकिन सिर्फ 7 को अवसर मिला और करीब 42 घंटे हमारा इस हल्ला बोल के अंदर आहूत हो गया। उसके पूर्व के सत्र में करीब 270 इन्हीं सदस्यों के द्वारा पूछे गए स्टार क्वेश्चन थे। सिर्फ 6 चर्चा में आए, करीब करीब हमारे 72 घंटे इस माहौल के अंदर आहूत हो गए। इस बार हमारे विजडम ने, हमारे अनुभव ने, हमारी जिम्मेवारियों ने हमें बचा लिया। श्री श्री रविशंकर ने एनजीटी को कहा है कि वो 5 करोड़ रुपए का हर्जाना एनजीटी को नहीं देंगे और इसके खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगे। हरित अधिकरण ने विवादों के बावजूद बुधवार को यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में आर्ट ऑफ लिविंग के शुक्रवार से आयोजित होने वाले 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम को हरी झंडी दे दी, लेकिन उस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। श्री श्री रविशंकर ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि वह जुर्माना नहीं देंगे। उन्होंने ट्वीट किया है कि वह इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, वे इसके खिलाफ अपील करेंगे। बुधवार को कड़े सवाल खड़े करने के बाद अधिकरण ने वैधानिक कार्यों का निर्वहन नहीं करने को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 5 लाख रुपए और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के नेतृत्व वाली एक पीठ ने श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व वाली आर्ट ऑफ लिविंग से कहा कि वह 11 मार्च को कार्यक्रम शुरू होने से पहले 5 करोड़ रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर जमा कराएं। एनजीटी की मंजूरी ऐसे दिन आई जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यक्रम को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से एक तबाही करार दिया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुछ अन्य कारणों से हिस्सा लेने से पहले ही मना कर दिया था। यमुना नदी में एग्जाम नहीं छोड़ा जाएगा। अधिकरण ने साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग से यह भी कहा कि वह गुरुवार तक यह वचन पत्र दें कि यमुना नदी में एंजाइम नहीं छोड़े जाएंगे और यहाँ की पर्यावरण का और शरण नहीं होगा। अधिकरण ने जुर्माना लगाने के साथ ही आर्ट ऑफ लिविंग से कहा कि वह उस पूरे क्षेत्र को एक जैव विविधता पार्क के तौर पर विकसित करें जो कि सवालों में है। अधिकरण का यह आदेश एनजीओ और पर्यावरण विदों की अर्जियों पर आया जिन्होंने इस आधार पर महोत्सव का आयोजन रद्द करने की मांग की थी कि इसे नदी तट के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। कार्यक्रम को रोकने के लिए अर्जी दायर करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता आनंद आर्य ने इसको लेकर दुख जताया कि दिल्ली और नोएडा के बीच स्थित 1000 एकड़ से अधिक संवेदनशील क्षेत्र पर एक भी घास नहीं है जो पहले दलदली भूमि हुआ करती थी। अन्य अर्जीकर्ता यमुना जीए अभियान के मनोज मिश्रा ने कार्यक्रम की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि क्षेत्र को प्रत्येक पल नष्ट किया जा रहा है और उसे उबारने में लंबा समय लगेगा। मिश्रा ने आयोजकों को उनकी समझ की कमी को लेकर आड़े हाथों लिया। 2 दिन की सुनवाई के दौरान एनजीटी ने इस बात को लेकर कड़े सवाल किए कि विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के लिए किसने मंजूरी दी जिसमें 35 लाख लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। सुनवाई के दौरान जल संसाधन मंत्रालय ने अधिकरण को बताया कि उसने महोत्सव के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है, जबकि एक अन्य मंत्रालय ने कहा
कि अस्थायी ढांचे के लिए किसी को मंजूरी की जरूरत नहीं होती। जल संसाधन मंत्रालय ने हरित अधिकरण के सवालों का जवाब देते हुए स्वयं को विवाद से अलग किया और कहा, हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए कोई मंजूरी नहीं दी और इस बारे में हमारे पास कोई आवेदन लंबित नहीं है। वहीं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पीठ को बताया कि यमुना खादर क्षेत्र में अस्थायी ढांचा खड़ा करने के लिए किसी भी पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं है। मंत्रालय का यह जवाब तब आया जब यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में महोत्सव का आयोजन रद्द करने की मांग वाली अर्जियों पर सुनवाई कर रहे अधिकरण ने पर्यावरण मंजूरी के संबंध में हलफनामा दायर नहीं करने को लेकर उसकी खिंचाई की थी। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने आर्ट ऑफ लिविंग के वकील से कहा कि वह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी की अनुमति के बिना यमुना नदी में कोई एंजाइम नहीं डालें और इस बारे में निर्देश लें, जिस पर फाउंडेशन ने बाद में सहमति जताई। अधिकरण ने साथ ही केंद्र दिल्ली सरकार PDA से पूछा कि यह महोत्सव की तैयारी और उसके अनुवर्ती प्रभावों के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया गया। दिल्ली सरकार ने अधिकरण को सूचित किया कि पुलिस ने मौके का निरीक्षण करने के बाद फाउंडेशन से यह दिखाने को कहा कि क्या उसके पास पीपे के पुल की सुरक्षा मंजूरी और वाहन पार्किंग मंजूरी है। दिल्ली सरकार ने साथ ही पीठ को यह भी बताया कि केंद्र लोक निर्माण विभाग ने फाउंडेशन से कहा कि वह ढांचागत सुरक्षा को लेकर मुद्दों के चलते प्रधानमंत्री के लिए अलग मंच बनाए। इस दावे से आर्ट ऑफ लिविंग ने इनकार किया और कहा कि इसका निर्माण कार्यक्रम के बेहतर दृश्य के लिए किया जा रहा है। पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर के दौरान सांसदों ने सुषमा स्वराज से कहा कि आज हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, आपको शुक्रिया कहेंगे। लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान बुधवार को माहौल थोड़ा बदला हुआ नजर आया। विपक्ष के कुछ सांसदों को विदेश मंत्री की जमकर तारीफ करते हुए सुना गया। इनमें आम आदमी पार्टी के MP भगवंत मान, धर्मवीर गांधी, BJD के बी पाड़ा और बिहार से आने वाले पप्पू यादव शामिल हैं। भगवंत मान ने कहा, मैं सुषमा स्वराज जी को शुक्रिया कहना चाहता हूं। वे देश से बाहर रहने वाले हमारे लोगों के लिए शानदार काम कर रही हैं। मान ने कहा, हाल ही में मेरी कम्युनिटी के 13 लोग सऊदी अरब में गुलाम बना लिए गए थे। मैं विदेश मंत्रालय के अफसरों से मिलने गया, उसका नतीजा हुआ कि वे 13 लोग और अन्य 8 लोग भी बचा लिए गए और वापस देश लौट आए। धर्मवीर गांधी ने कहा, मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ आपको शुक्रिया कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सभी को जब भी जरूरत होती है तो सुषमा जी की मदद मिलती है, उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। बीजू जनता दल के सांसद जय पांडा ने कहा, मंत्री के नाते सुषमा स्वराज का काम शानदार रहा है। बिहार से आने वाले सांसद पप्पू यादव ने सुषमा स्वराज की इसलिए तारीफ की क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब हिंदी में दिया। पप्पू यादव ने कहा, इस सदन में कोई ऐसे नेता हैं जो हिंदी जानने के बावजूद सिर्फ अंग्रेजी में जवाब देते हैं। इस बीच सुमित्रा महाजन ने कहा, कोई सवाल नहीं, सिर्फ शुक्रिया। आखिर में स्वराज ने हाथ जोड़कर कहा, मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं जिन्होंने मुझे धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी नई नंबर प्लेट की ऑटो दिखे तो उसमें आग लगा दो। अपने तीखे बयानों से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मराठी मुद्दे पर राजनीति करते हुए राज ठाकरे ने मुंबई में नए परमिट वाले ऑटो रिक्शा को आग लगाने का बयान देकर खलबली मचा दी है। राज ठाकरे का आरोप है कि मराठी लोगों की बजाय बाहरी यानी गैर मराठी लोगों को नए ऑटो के लिए परमिट बांटे जा रहे हैं। इसी पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज ठाकरे ने कहा है, नए नंबर प्लेट का रिक्शा दिखे तो ड्राइवर पैसेंजर को उतार कर ऑटो में आग लगा दो। राज के इस तीखे बयान से साफ है कि उन्होंने फिर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश की है। बजाज कंपनी के मालिक राहुल बजाज पर तो हमला किया ही है, कांग्रेस और महाराष्ट्र की BJP और शिवसेना गठबंधन सरकार को भी उन्होंने अपने निशाने पर लिया है। राज ठाकरे ने कहा, ये जो ऑटो बनाया जाता है वो राहुल बजाज की बजाज कंपनी में तैयार होता है। उनका 70,000 ऑटो का लॉट तैयार है जिसके लिए एक ऑटो की कीमत 1,70,000 है,
तो 70,000 ऑटो की कीमत यानी 1190 करोड़। आप इस मामले में क्यों जल्दी कर रहे हो? जिस चीज के लिए आपको 15 साल का आवासीय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, आपको सीआईडी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, इसको चाहिए कि सिर्फ राहुल बजाज का तैयार ऑटो रोड पर लाना है। इनका काम खत्म, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुझे इसका जवाब चाहिए। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का कल 10वां स्थापना राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का कल 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इसी मौके पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राज ठाकरे पहुंचे थे। मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे शुरू से ही राजनीति करते रहे हैं और आग उगलना उनका ये नया बयान और आग उगलता उनका ये नया बयान भी उसी की कड़ी माना जा रहा है। राज ठाकरे के इस बयान की मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बयान अगर भड़काऊ पाया गया तो राज के खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। रिक्षांचे परवाने द्यावे लागतील, लगेच इंटरव्ह्यू, लगेच या सगळ्या गोष्टी कशासाठी चालू आहेत? आता मला आज कळलं की 1190 कोटी रुपयांचा व्यवहार होणार आहे। काय फरक आहे तुमच्यात आणि काँग्रेसवाल्यांमध्ये? ते तेच करवते, तुम्ही तेच करतात। या खात्याचे मंत्री शिवसेनेचे आहेत। आम्ही जे मराठी माणसाबद्दल बोलतोय ना, ते खरं पोट तिडकीने बोलतोय। तुमच्यावर का खोटा पुळका आणून बोलत नाही होत आम्ही। आणि तुम्हाला जर मनापासून जर समजा रिक्षांचे परवाने द्यायचे होते, तर मग 70,000 या रिक्षा मराठी मुलांना मिळायला पाहिजे होत्या, मराठी मुलींना मिळायला पाहिजे होत्या। त्याच्यामध्ये 70-72% परप्रांतीय येतात कसे, ज्यांचा या मुंबई महाराष्ट्राशी काही संबंध नसलेली माणसं येतात कशी आणि परवाने मिळवून घेऊन जातात कशी? तुम्हाला या मराठी मुलांशी काही महाराष्ट्राची देणं घेणं नाहीये, तुम्हाला फक्त राहुल बजाज मधल्या येणाऱ्या पैशाची मतलब आहे तुम्हाला। असं राज्य चालवणार हे? आता काय झालं हे मी तुम्हाला सांगितलं, आता काय करायचंय हे मी तुम्हाला सांगणार। नवीन रिक्षा, नवीन परवाने मिळालेल्या रिक्षा, नवीन नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा, या जर रस्त्यावरती आल्या, गिरायकांना बाहेर काढायचं, ड्रायव्हरला बाहेर काढायचं आणि जाळायच्या। त्याशिवाय ही माणसं वटणीवरती येणार नाहीत। बाळाने महाभारतातली गोष्ट सांगितली, बहुधा त्याला माझा कर्ण म्हणायचं होतं। उच्चतम न्यायालय ने ऋण न चुकाने के मामले को लेकर उद्योगपति विजय माल्या को संपत्ति के खुलासे और अपने पासपोर्ट को जमा कराने का नोटिस भेजा है। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों की याचिका पर उद्योगपति विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। याचिका में माल्या की संपत्ति का खुलासा करने और उनका पासपोर्ट जब्त करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने माल्या को 2 सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। उन्हें यह नोटिस लंदन में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से उनकी ईमेल आईडी पर भेजने को कहा गया है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि माल्या देश छोड़ चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विदेश में माल्या की संपत्ति उन पर कर्ज की रकम से काफी ज्यादा है। न्यायालय ने बैंकों से भी सवाल किया कि चूंकि माल्या डिफॉल्टर थे और उन पर मुकदमा चल रहा था, तो फिर बैंकों ने उन्हें कर्ज क्यों दिया? दिल्ली की एक अदालत ने अवमानना मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं के खिलाफ सम्मन जारी किया है। आपको बता दें कि यह मामला अरुण जेटली से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 अन्य नेताओं को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में 7 अप्रैल को उनके समकक्ष उपस्थित होने को कहा है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्डा और दीपक वाजपेयी को अदालत के समकक्ष उपस्थित होने को कहा है। जेटली ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन विवाद में कथित तौर पर उनकी मानहानि करने के लिए इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी।
धर्मशाला में होने वाला भारत पाक क्रिकेट मैच अब सुरक्षा कारणों की वजह से कोलकाता में होगा। पाकिस्तान के बीच विश्व कप T20 मैच अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की जगह पश्चिम बंगाल कोलकाता में खेला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यकारी डेव रिचर्डसन ने यह घोषणा की है। इससे पहले यह मैच 19 मार्च को धर्मशाला में खेला जाना था, लेकिन पठानकोट और पंपोरा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के विरोध प्रदर्शन के चलते राज्य सरकार सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थी। पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट परिषद से इस मैच का स्थान बदलने का आग्रह किया था। रिस्पॉन्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड द वे स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम द ऑनरेबल CM, आई थिंक ICC हैज टू टेक अ कॉल एंड दे विल बी डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्टली। They have to look at the logistics, they have to look at the fans, they have to look at the sponsorship, the sponsors who's going to come from all over the world. So thousands of people who have planned to watch these games, how they will react at the last minute when the states fall short of providing security and creating a good atmosphere. I think the ICC has to take a final call on that. All I have to say is they have again shown for them it's family first, party next and nation last. The kind of embarrassment they have created for the country and the kind of projection they have given is not fair on part of any CM. So what happens to the HPCA? Is there any sort of a fine which is any ban? See, HPCA, if you look at, we have given the world's most beautiful ground. We have created one of the best facilities available in India. Any cricketer or any fan who has traveled to Dharamsala has always appreciated the facilities what we have created. Now, security is not in our hands. If the head of the state makes some kind of statements which is against the interest of the state, I think it is up to the cricket fans and the ICC to decide how to react to that. But from our side, we have left no stone unturned to make it possible. Sir, but what are the rules? What are the rules? Is there any sort of a ban which is... See, we can try our level best. We did that. You know, people die to host World Cup matches. The country is big to get these kind of tournaments. Himachal is a lucky state where we have worked hard to get a match like a World Cup matches in the state of Himachal Pradesh at Dharamshala. Unfortunately, the kind of atmosphere created by the ruling party is very, very unfortunate. देश विरोधी बयान को लेके एक बार फिर से कन्हैया कुमार घिरता नजर आ रहा है। JNU छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार अपने एक बयान को लेकर फिर मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस में शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि कन्हैया ने देश विरोधी नारेबाजी कर अपनी जमानत की शर्तों की अनदेखी की है। कन्हैया ने मंगलवार रात महिला दिवस के मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, चाहे आप मुझे रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम मानवाधिकार हनन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, हम अफ़सपा के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हमारे सैनिकों के लिए हमारे मन में काफी सम्मान है, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करेंगे कि कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों द्वारा महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। JNU के छात्र नेता ने कहा, खांडा में युद्ध के दौरान 1000 महिलाओं से बलात्कार हुआ, अफ्रीका में जातीय संघर्ष के दौरान जब सेना दूसरे समूह पर हमला करती थी तो पहले महिलाओं से बलात्कार किया जाता था। आप गुजरात का उदाहरण लें, महिलाओं की ना सिर्फ हत्या की गई बल्कि पहले उनसे बलात्कार भी किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कन्हैया और JNU की प्रोफेसर निवेदिता मेनन के खिलाफ वसंत विहार पुलिस थाने में एक शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने शिकायत प्राप्त की है और मामले की जांच की जा रही है, अब तक कोई प्राथमिकी नहीं दर्ज हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक बयान में कहा, अदालत में हलफनामा देने के बाद भी कन्हैया ने एक बार फिर छात्रों की सभा को संबोधित किया और भारतीय थल सेना के खिलाफ जहर उगले और उन्हें कश्मीरी महिलाओं का बलात्कारी करार दिया।
बयान के मुताबिक जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन भी जनसभाओं में भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ नफरत जाहिर करती रही हैं। उन्होंने बयान दिया कि यह दुनिया भर में मान्यता है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के सेंटर फॉर कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी में अध्यापन करने वाली मेमन से संपर्क किए जाने पर उन्होंने कहा, मैं नहीं मानती कि मैंने जो कुछ कहा वो देश विरोधी था। वहीं कन्हैया की पार्टी AISF ने कहा, उन्होंने दुनिया भर में और न सिर्फ कश्मीर में महिलाओं पर हुई यातनाओं के संदर्भ में यह बात कही थी। उसका मकसद सेना या किसी अन्य को नीचा दिखाना कतई नहीं था और उसने अपने भाषण में इसे स्पष्ट भी किया है। बीजेपी RSS की छात्र शाखा ABVP ने बयान में कहा, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कन्हैया को सलाह दी थी कि वह सीमा पर कुर्बानी दे रहे जवानों के योगदान को ना भूले। उसका बयान भारतीय थल सेना पर हमला है। साध्वी प्राची का हमला, कहा दम है तो अनुपम खेर उन्हें जेल भेज के दिखवाएं। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के सीधे निशाने पे आए साध्वी प्राची और योगी आदित्यनाथ अब उन पर हमला बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जहां उन्हें रियल लाइफ का विलेन बोल डाला, वहीं साध्वी प्राची ने अब उन्हें चुनौती दी है कि अगर उनमें दम है तो दोनों को जेल भेज कर दिखाएं। गौरतलब है कि अनुपम खेर ने कहा था, भाजपा में कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हो या योगी हो, उनको अंदर कर देना चाहिए और पार्टी से निकाल देना चाहिए। अनुपम खेर के बयान पर जवाब देते हुए साध्वी प्राची ने कहा, हम हिंदुओं के हित की लड़ाई जारी रखेंगे, अगर खेर में ताकत है तो वो हमें जेल भेज कर दिखाएं। बता दें कि इससे पहले खेर के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि खेर फिल्मी दुनिया के ही नहीं निजी जिंदगी में भी विलेन की भूमिका में है। विजय माल्या देश छोड़कर जा चुका है, ऐसा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। केंद्र सरकार ने 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि विभिन्न बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण लेने के बाद उसे कथित रूप से नहीं चुकाने को लेकर कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे शराब कारोबारी विजय माल्या हफ्ता भर पहले ही देश छोड़कर चले गए हैं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति RF नरीमन की पीठ से कहा, मैंने अभी कुछ दिन पहले CBI से बात की और उसने मुझे बताया कि 2 मार्च को वह देश छोड़कर चले गए हैं। पीठ ने माल्या को नोटिस जारी किया और बैंकों के कंसोर्टियम की याचिकाओं पर 2 हफ्ते में अपना जवाब मांगा है। बैंकों के कंसोर्टियम ने उनसे पासपोर्ट पर रोक लगाने और शीर्ष अदालत में उनकी पेशी के लिए निर्देश जारी किए जाने की मांग की है, क्योंकि अदालत को यह सूचित किया गया कि माल्या पहले ही देश छोड़कर संभवतः ब्रिटेन जा चुके हैं। अतएव पीठ ने अटॉर्नी जनरल का यह अनुरोध मान लिया कि उन तक नोटिस उनके आधिकारिक राज्यसभा ईमेल आईडी लंदन में भारतीय उच्चायोग विभिन्न इन उच्च न्यायालयों में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे उनके वकील ऋण वसूली न्यायाधिकरण तथा उन कंपनियों के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान AG ने कहा कि माल्या पर विभिन्न बैंकों में 9000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है और किसी न किसी बहाने वह उनका निष्कातरण करते रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर के यशवंत सिन्हा को अपना मार्गदर्शक बनाया है। भले ही पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को BJP सरकार में दरकिनार कर दिया हो, लेकिन आम आदमी पार्टी उन्हें अपना मार्गदर्शक बनाते हुए बजट बनाने में उनकी मदद ले रही है। 28 मार्च को दिल्ली सरकार का बजट पेश होना है, इसे लेकर सिन्हा की गाइडेंस की भी जरूरत है। सिन्हा 15 मार्च को वित्त विभाग और दिल्ली के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वह अपने महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। एक अखबार को सिन्हा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के विधायकों के साथ बात की, दिल्ली विधानसभा के नियोते को स्वीकार कर लिया है। इसमें वह केंद्र सरकार के बजट बनाने के तरीके की जानकारी देंगे। यशवंत सिन्हा NDA सरकार के दौरान वित्त मंत्री रह चुके हैं। तब सरकार की कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार में उन्हें जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि मार्गदर्शक मंडल में भी सिन्हा को जगह नहीं दी गई। सिन्हा मोदी सरकार की कई नीतियों का खुला विरोध कर चुके हैं। NGT ने यमुना के किनारे श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम को सशर्त मंजूरी दे दी है और कहा है 5 करोड़ रुपए जमा कराने को। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने शुक्रवार को यमुना किनारे होने वाले श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक समारोह को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है।
अधिकरण ने आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अपनी कानूनी जिम्मेदारी नहीं निभाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण पर 5 लाख रुपए और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर भी 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आयोजकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पूरे इलाके को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करें। प्राइम टाइम में आज इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। अपने तीखे बयानों से सुर्खियों